भारत के शाही इतिहास में कर्नाटक के मैसूर का एक विशेष स्थान रहा है, जहां एक से अधिक साम्राज्य ने अपना शासन चलाया। मैसूर सल्तनत के अलावा वुडियार साम्राज्य ने इस जगह को उसकी नई पहचान दिलाई। जिन इमारतों में आज भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है, उनमें से मुख्य है मैसूर पैलेस, जो उनके शाही विलास की एक बेमिसाल छाप है। मैसूर के चमराजपुरा क्षेत्र में मौजूद मैसूर पैलेस वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित ये महल अंबा विलास पैलेस और महाराजा पैलेस जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस तीन मंजिला महल में एक 145 फुट ऊंचा मीनार भी है। एक बड़े बाग से घिरे मैसूर पैलेस में चार शाही द्वार हैं, जिनमें से मुख्य प्रवेश द्वार और मेहराब में मैसूर का शाही चिन्ह मौजूद है। हालांकि पर्यटकों के बीच मशहूर मैसूर पैलेस से जुड़े कई ऐतिहासिक पहलू आज भी बहुत लोग नहीं जानते, आइए आपको इनकी यात्रा पर ले चलते हैं। जिस स्थान पर आज मैसूर पैलेस मौजूद है, वो अपने बताए काल से भी पहले शक्ति का एक गढ़ रह चुका था। दरअसल यहाँ मूल रूप से एक लकड़ी का महल था, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में वुडियार वंश के पहले राजा यदुराय वुडियार ने किया था। वहीं 15वीं शताब्दी के मध्य तक मैसूर विजयनगर राजाओं में अधीन आने के बावजूद इस महल की चकाचौंध में कोई कमी नहीं आई। हालांकि आग में झुलसने और बिजली गिरने जैसी आपदाओं के कारण इसका कई बार पुनर्निर्माण हुआ। तालीकोट के युद्ध के बाद जब वुडियार एक बार फिर वापस आए, मैसूर पैलेस में कई छोटे मोटे इमारतें जुड़ने लगी थीं। ये सिलसिला सन 1760 के दशक तक कायम रहा, जब मैसूर सल्तनत का उदय हुआ, जो श्रीरंगपट्टनम से अपना राज चलाते थे। इनके सुल्तानों ने मैसूर पैलेस समेत कई शाही इमारतों को भी ध्वस्त किया, मगर सन 1799 के आंगल मैसूर युद्ध के बाद जब वुडियार शासकों ने अंग्रेजों के अधीन फिर से शासन किया, तब मैसूर एक बार फिर से राजधानी बनी और सन 1800 से लेकर 1803 तक पत्थरों, ईंटों और लकड़ी से एक महल का निर्माण हुआ। हालांकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया मैसूर पैलेस लगभग एक सदी तक वुडियार शासकों का गढ़ तो रहा, लेकिन जल्दबाजी में बनाया गया ये महल ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। सन 1897 में चमराज वुडियार की बड़ी बेटी की शादी के दौरान ये आग लगने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आखिरकार उसी वर्ष कृष्ण राजा वुडियार चतुर्थ की राजमाता कैंपा नंजमणि की देखरेख में मैसूर पैलेस के मौजूदा रूप को आकार मिला, जिसको मुमकिन अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी अर्विन और अभियंता ए डब्ल्यू फ्रिचले ने किया था। अर्विन ने दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता की यात्राएं भी की थी, जहां पर उन्होंने अर्जित भारतीय वास्तुकला के गुर यहां मैसूर पैलेस में ढाले। इसके निर्माण के दौरान मैसूर का शाही परिवार पड़ोस के जगनमोहन महल में रह रहा था। फिर 41,47,913 रुपए की लागत से मैसूर पैलेस सन 1912 में बनकर तैयार हुआ। अपने स्थायी निर्माण के बाद भी मैसूर पैलेस में कई नई इमारतें जोड़े गए। महल में हिंदू, मुगल, राजपूत और गौथिक शिल्पकारी की झलक के साथ साथ हमको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर फर्श पर चमकदार डिजाइनों वाली टाइलें, जो ब्रिटेन से मंगवाई गई थी, और चेकोस्लोवाकिया से लाए गए बेशकीमती झूमर।
सन 1930 के दशक में यहाँ का मशहूर पब्लिक दरबार हॉल महल में जोड़ा गया। सन 1943 से लेकर सन 1945 तक खींचे गए फोटो के आधार पर यहाँ 26 पेंटिंग बनाए गए थे, जिनमें यहाँ पर आयोजित मशहूर दशहरे के जुलूस को दिखाया गया है। वहीं सन 1953 तक यहाँ कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें सोमेश्वर और लक्ष्मी रमन मंदिर प्रमुख हैं। अपनी वास्तुकला और शाही धरोहर के अलावा मैसूर पैलेस अपने दशहरा समारोह के लिए भी मशहूर है, जहां पर करीब 1,00,000 बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। समारोह में शरीक होने राजा एक शाही हाथी पर आता था, मगर सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब रियासतें समाप्त हुईं, तब इस शाही हाथी में चामुंडी देवी की मूर्ति को लाया जाने लगा था। दुर्गा देवी के स्वरूप में माने जाने वाली चामुंडी देवी दरअसल वुडियार राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चामुंडी देवी ने इस क्षेत्र को दानव महिषासुर से स्वतंत्र करने के लिए उसका वध किया था। दिलचस्प बात यह है कि महिषासुर के नाम पर ही मैसूर जगह का नाम पड़ा। आज मैसूर पैलेस दशहरा के साथ साथ रविवार और सरकारी अवकाश के दौरान प्रज्वलित रहता है। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, जिसमें मैसूर राज परिवार और उनके इतिहास से जुड़े कई वस्तुएं, कलाकृतियां और हथियारों के साथ साथ मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्रों को भी देखा जा सकता है। आज मैसूर पैलेस वास्तुकला, शाही विलास और इतिहास के बेहतरीन संगम के तौर पर मैसूर और भारत के गौरवशाली इतिहास की शान बढ़ाता है।